हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित सोरान एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल राजवीर क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं क्लास टेंथ की पॉलिटिकल साइंस की बुक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट टू का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज पावर शेयरिंग। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लासेस में डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा है और डेमोक्रेसी का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर होता है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग क्या होता है? पावर शेयरिंग में कंट्री की सारी पावर्स किसी एक ऑर्गन या किसी एक इंस्टीट्यूशन में ना होकर सारे इंस्टीट्यूशंस में बांट दी जाती है, ताकि कोई एक इंस्टीट्यूशन या एक ऑर्गन अपनी मनमानी ना कर सके। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि पावर शेयरिंग क्या होती है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसके अलग अलग फॉर्म्स या अलग अलग टाइप्स क्या हो सकते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। चैप्टर में इसको समझने के लिए दो कंट्रीज़ के एग्जाम्पल दिए गए हैं, एक बेल्जियम, दूसरा श्रीलंका। इन दोनों एग्जाम्पल्स को भी हम देखेंगे, जिससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि पावर शेयरिंग की आखिर ज़रूरत क्यों है। तो पहले बात कर लेते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है जो अपनी बाउंड्रीज फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग के साथ शेयर करता है। इसका एरिया अपने स्टेट हरियाणा के लगभग बराबर है, बल्कि उससे कम है, और इसकी पॉपुलेशन भी हरियाणा की पॉपुलेशन से आधी है। तो हम देख सकते हैं कि ये इतना छोटा सा स्टेट है, इसकी थोड़ी सी पॉपुलेशन है, बट इस कंट्री का एथनिक कंपोजिशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। मतलब कि इस कंट्री में अलग अलग एथनिक बैकग्राउंड के लोग रहते हैं। एथनिक बैकग्राउंड का मतलब कंट्री में सोशल डिवीजन जो हुआ है वो इनके कल्चर के कारण हुआ है। एक एथनिक कम्युनिटी का अपना अलग कल्चर होता है, अपना अलग लिविंग स्टाइल होता है। सो अभी आप मैप देख लीजिए और मैप के हिसाब से इस डाटा को कोरिलेट कीजिए, ठीक है। कंट्री की जो 59% पॉपुलेशन है वो फ्लेमिश रीजन में रहती है। फ्लेमिश एक रीजन का नाम है, एक एरिया का नाम है, ठीक है, जिसको मैप में येलो कलर से दिखाया गया है। इस फ्लेमिश रीजन में, यानी येलो कलर वाले रीजन में 59% पॉपुलेशन रहती है और वो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है, यानी कि वो 59% पॉपुलेशन डच लैंग्वेज बोलती है, ठीक है। जो 40% पॉपुलेशन है वो वलोनिया रीजन में रहती है, वलोनिया रीजन को रेड कलर से दिखाया गया मैप में, ठीक है। और जो वलोनिया रीजन में रहने वाली पॉपुलेशन है वो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है, वो बोलती है फ्रेंच लैंग्वेज। इट मींस हम देख सकते हैं कि जो 59% लोग हैं वो डच बोलते हैं और 40% लोग हैं वो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी हैं, ठीक है। बाकी की जो 1% पॉपुलेशन है वो उसके ईस्टर्न बॉर्डर पर रहती है, जिसको ब्लू कलर्स की लाइन से दिखाया गया है, ईस्टर्न बॉर्डर पे देखिए, ठीक है। वो पॉपुलेशन जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी है, वो जर्मनी के पास लगता है वो इलाका, इसलिए वहाँ के लोग जर्मन बोलते हैं, ठीक है। अब इशू क्या है? इशू ये है कि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है, हमने देख लिया, ये है लगभग 60% कंट्री के, यानी कि मेजोरिटी में है, बट इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मामले में ये डच स्पीकिंग कम्युनिटी पिछड़ी हुई है। ऐसे ही एजुकेशन के मामले में भी ये डच स्पीकिंग कम्युनिटी पिछड़ी हुई है। ये मेजोरिटी में जरूर है, कंट्री की 60% पॉपुलेशन है ये, बट इनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। दूसरी तरफ जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है, जो कंट्री का 40% हिस्सा है और जो वलोनिया रीजन में रही है, वो पॉपुलेशन रिच है और पावरफुल है। यानी कि फ्रेंच स्पीकिंग लोग रिच और पावरफुल हैं और डच स्पीकिंग कम्युनिटी उतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, जबकि डच स्पीकिंग कम्युनिटी कंट्री में मेजोरिटी में है, लगभग 60% पॉपुलेशन है, और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी लगभग 40% पॉपुलेशन है, वो कंट्री में माइनॉरिटी में है। अब एक अलग सिचुएशन बनी है उनके ही कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में। इनकी कैपिटल है ब्रसेल्स, बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसेल्स। ब्रसेल्स में सिचुएशन ये है कि वहाँ पर डच माइनॉरिटी में है और फ्रेंच मेजॉरिटी में है, यानी जो कैपिटल है वहाँ पर फ्रेंच मेजॉरिटी में है, वो रिच और पावरफुल भी हैं और वहाँ पर कैपिटल में सबसे ज़्यादा लोग फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं और यहाँ पर डच माइनॉरिटीज़ में है। यानी कि जो पूरे कंट्री में माइनॉरिटीज़ में हैं वो ब्रसेल्स में मेजॉरिटी में हैं, और जो पूरे कंट्री में मेजॉरिटी में हैं वो इनकी कैपिटल में माइनॉरिटी बने हुए हैं। लेट्स मूव ऑन टू श्रीलंका नाउ। श्रीलंका इंडिया के साउथ में एक आइलैंड नेशन है। इसकी पॉपुलेशन लगभग अपने हरियाणा के बराबर है, जो कि बनती है अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़। अगर हम इसकी डेमोग्राफी देखें तो 74% पॉपुलेशन सिन्हाला स्पीकिंग पॉपुलेशन है, और ये बिलोंग करती है बुद्धिस्ट कम्युनिटी को, यानी कि ये लोग बुद्धिस्ट लोग हैं और सिंहला लैंग्वेज बोलते हैं। 18% पॉपुलेशन है वो तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन, वो तमिल बोलते हैं, और ये लोग मोस्टली हिंदू और मुस्लिम हैं। यानी कि ये मेजॉरिटी में कौन है? मेजॉरिटी में है
सिन्हला स्पीकिंग कम्युनिटी जो कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, यानी यहाँ पे बुद्धिस्ट मेजोरिटी में है और माइनॉरिटी में तमिल बोलने वाले लोग माइनॉरिटी के हैं, ठीक है। और इस तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन में भी 13% श्रीलंकन तमिल्स हैं और 87% इंडियन तमिल्स हैं। श्रीलंकन तमिल्स वो लोग हैं जो शुरू से ही श्रीलंका में रहे हैं, दे आर ओरिजिनली श्रीलंकन्स। और इंडियन तमिल्स वो लोग हैं जिनके फोर फादर्स इंडिया से श्रीलंका जाके बसे थे ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स टाइम। ब्रिटिशर्स ने उन लोगों को प्लांटेशन वर्क्स के लिए वहाँ शिफ्ट किया था। तो अगर हम मैप में देखें तो जो येलो एरिया दिखाया गया है वो है सिन्हला स्पीकिंग कम्युनिटी का एरिया, ठीक है। 74% पॉपुलेशन यहाँ रहती है। और जो श्रीलंकन तमिल्स का है वो ऑरेंज कलर से दिखाया गया है, और जो इंडियन तमिल्स के जो पैच हैं वो ब्राउन कलर से दिखाए गए हैं। तो अभी हमने श्रीलंका और बेल्जियम दोनों कंट्रीज की डेमोग्राफी देख ली, दोनों ही कंट्रीज का डेटा भी देख लिया। दोनों ही कंट्रीज डेमोक्रेसी हैं और दोनों कंट्रीज का साइज और पॉपुलेशन में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हमने ये भी देखा कि दोनों कंट्रीज में अलग अलग टाइप की कम्युनिटीज रहती हैं, और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी वहाँ पे मेजॉरिटी में है और बाकी कम्युनिटीज माइनॉरिटी का हिस्सा है। इन दोनों कंट्रीज ने पावर शेयरिंग का जो इशू है उसको अलग अलग तरीके से डील किया। कैसे किया वो हम अभी देखते हैं। पहले देख लेते हैं श्रीलंका ने इस इश्यू को कैसे डील किया। मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, हम देखते हैं कि श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948, भारत से एक साल बाद, यानी 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद वहाँ इलेक्शंस हुए, तो नेचुरली जो 74% पॉपुलेशन है सिन्हला स्पीकिंग कम्युनिटी की, वही इलेक्शन जीतने वाली है। तो मेनली वो लीडर्स जीते जो सिन्हला कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, ठीक है। अब ये लीडर्स जब इलेक्शन जीत के आए तो अपनी पॉपुलेशन को खुश करने के लिए इन्होंने मेजोरिटेरियन स्टेप्स उठाने शुरू कर दिए। मेजोरिटेरियन स्टेप्स कौन से होते हैं? वो स्टेप्स जिससे कंट्री की मेजोरिटी को फ़ायदा हो, मेजोरिटी की तरफ बायस्ड हो और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको दबाया जाए। सारी पॉलिसीज ऐसे बनाई जाती हैं कि कंट्री की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है उसको खुश किया जाए ताकि नेक्स्ट इलेक्शंस में उनको फ़ायदा हो, ठीक है। वो स्टेप्स कौन कौन से थे? फर्स्ट स्टेप इन्होंने उठाया, सिन्हला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। कंट्री में दो लैंग्वेज बोली जा रही हैं, सिन्हला और तमिल। तमिल लैंग्वेज को डिसरिगार्ड किया गया और सिन्हला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया श्रीलंका की। नेक्स्ट स्टेप उन्होंने उठाया कि उन्होंने बुद्धिज़्म को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। कंट्री में और भी रिलीजन्स हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, क्रिश्चियंस भी थे, बट उन्होंने ऑफिशियली बुद्धिज़्म को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये सिन्हला कम्युनिटी बुद्धिस्ट कम्युनिटी थी, ठीक है, इसलिए इन्होंने बुद्धिज़्म को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्या किया इन्होंने? इन्होंने जितनी भी पॉलिसीज बनाई वो सब की सब सिन्हला स्पीकिंग कम्युनिटी को सपोर्ट करती थी। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट की जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती थी उन पे सिन्हला स्पीकिंग कम्युनिटी जा पाती थी, क्योंकि उन्होंने क्राइटेरिया ऐसे सेट कर दिए कि आपको इस लैंग्वेज का पेपर क्लियर करना पड़ेगा। तो इस तरह से सारी पॉलिसीज जो बनाई गई वो सिन्हला कम्युनिटी के लिए बनाई गई। इनको बोलते हैं मेजोरिटेरियन स्टेप्स उठाए गए। इन सब के कारण क्या हुआ, जो तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन थी उनमें फीलिंग ऑफ अलिनेशन आने लगी। उनको लगने लगा कि जो सिन्हला कम्युनिटी है उनके कल्चर को लेके, उनकी लैंग्वेज को लेके सेंसिटिव नहीं है। अब जो तमिलियंस थे उन्होंने भी अपनी पार्टीज को स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू कर दिया और अपने स्ट्रगल्स को तेज कर दिया, ताकि जो ये तमिल लैंग्वेज है उसको श्रीलंका की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। पर इन सब डिमांड्स को इन सिन्हला कम्युनिटी ने डिनाई कर दिया, इनकी कोई भी डिमांड नहीं मानी गई। एट लास्ट टेंशन इतने ज़्यादा बढ़ गए कि जो तमिल्स थे उन्होंने अलग कंट्री की मांग उठानी शुरू कर दी और कंट्री में एक सिविल वॉर छिड़ गया। बहुत से लोग घायल हुए, बहुत से लोगों की जान गई। ऐसे काफ़ी सारे लोग थे जिनको अपना देश छोड़ के भागना पड़ा, और जो तमिलियंस थे वो इंडिया में भी आने लग गए। तो इस तरीके से जो कंट्री में सिविल वॉर छिड़ गया और कंट्री की जो यूनिटी थी उसको खतरा पैदा हो गया। अल्टीमेटली ये सिविल वॉर 2009 में जाके ख़त्म हुआ। श्रीलंका की इंडिपेंडेंस से, यानी 1948 से माहौल बनना शुरू हो गया था, और 2009 तक ये सिविल वॉर चलता रहा जिससे कंट्री को काफ़ी नुकसान हुआ। अब देखते हैं बेल्जियम ने कैसे डील किया पावर शेयरिंग के इश्यूज़ को। नेक्स्ट इज अकोमोडेशन इन बेल्जियम। अगर हम बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम के लीडर्स ने श्रीलंका के लीडर्स से बिल्कुल हटकर पाथ अपनाया, एक अलग पाथ अपनाया। They recognized the existence of regional differences and cultural diversity. उन्होंने रिकोगनाइज किया कि उनकी कंट्री में रीजनल डिफरेंसेज हैं, उनके कंट्री में बहुत ज़्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी है। और जब उन्होंने इस चीज़ को रिकोगनाइज कर लिया था तो इसके ऊपर काम भी किया।
दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन और उसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस डाले ताकि डच स्पीकिंग कम्युनिटी और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी दोनों कम्युनिटीज एक ही कंट्री में शांति से रह सके। हम देख लेते हैं कुछ प्रोविजंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट प्रोविजन था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनमें इन दोनों कम्युनिटीज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट में मान लो 50 मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, तो 25 मिनिस्टर्स डच स्पीकिंग कम्युनिटी से आएंगे और 25 मिनिस्टर्स फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी से आएंगे। नेक्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ पावर्स स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दिए गए, ठीक है, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर अपने विश ना थोपे। नेक्स्ट इज सेपरेट गवर्नमेंट ऑफ ब्रसल्स, जो उनकी कैपिटल सिटी थी ब्रसल्स, उसका डेमोग्राफी हमने देखी कि कंट्री से बिल्कुल अलग थी, ठीक है। कंट्री में डच स्पीकिंग कम्युनिटी मेजोरिटी में थी और कैपिटल में डच स्पीकिंग कम्युनिटी माइनॉरिटी में थी, तो इसकी डेमोग्राफी कंट्री से बिल्कुल अलग थी, इसलिए इनको परमिशन दे दी गई कि ब्रसल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है। और इस सेपरेट गवर्नमेंट में भी इन दोनों कम्युनिटीज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। नेक्स्ट इज वैल्यू टू बोथ लैंग्वेजेस, कंट्री में दोनों लैंग्वेजेस को, डच और फ्रेंच, इन दोनों लैंग्वेजेस को बराबर वैल्यू दी गई। हम वहां की स्ट्रीट्स में लगे साइन बोर्ड से इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। इस साइन बोर्ड में डच और फ्रेंच दोनों लैंग्वेजेस में लिखा गया है। नेक्स्ट प्रोविजन विच दे इंक्लूडेड इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन एक वर्ल्ड में मिसाल बन गया, वो मिसाल था कम्युनिटी गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के अलावा एक तीसरी गवर्नमेंट भी बनाई गई, उसको बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। हर कम्युनिटी की, डच कम्युनिटी की एक अलग गवर्नमेंट होगी, फ्रेंच कम्युनिटी की एक अलग गवर्नमेंट होगी, जर्मन कम्युनिटी की एक अलग गवर्नमेंट होगी और बाकी भी जितनी कम्युनिटीज थी उनकी अपनी अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट्स बनाई गई, ठीक है। इन कम्युनिटी गवर्नमेंट्स को राइट्स दिए गए कि वो कल्चर, लैंग्वेज और एजुकेशन से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं इनके ऊपर लॉ बना सकें और अपना काम कर सकें। अब ये बेल्जियन मॉडल कॉम्प्लिकेटेड जरूर था पर इसने कंट्रीज को लिंग्विस्टिक लाइंस पर डिवाइड होने से बचा लिया। इतना पीसफुल और प्रोग्रेसिव इन्वायरमेंट बना कि जब यूरोपियन यूनियन बना तो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रसल्स में बनाया गया। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे श्रीलंका और बेल्जियम ने इस पावर शेयरिंग के इश्यू को अलग अलग तरीके से हैंडल किया। जहां बेल्जियम मॉडल के कारण कंट्री में यूनिटी आई, वहीं श्रीलंका ने जो मेथड अपनाया उसके कारण कंट्री में सिविल वॉर हुआ एंड दैट अंडरमाइंड द यूनिटी ऑफ द कंट्री। सो अवर नेक्स्ट सब हेडिंग इज व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। अब इस क्वेश्चन का आंसर करते समय हम दो टाइप के रीजंस दे सकते हैं, पहला है प्रूडेंशियल रीजन और दूसरा है मॉरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन का मतलब, प्रूडेंशियल का मतलब होता है विवेकपूर्ण, विवेक से रिलेटेड, बुद्धि से रिलेटेड। तो सामान्य बुद्धि क्या कहती है, सामान्य बुद्धि ये कहती है कि पावर शेयरिंग इसलिए डिजायरेबल है बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स। प्रूडेंशियल रीजन ये कहता है कि पावर शेयरिंग के कारण जो सोशल ग्रुप्स में कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी बनी हुई है वो रिड्यूस हो जाती है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस कम हो जाते हैं। और जो दूसरा रीजन है अपना, यानी कि मॉरल रीजन, मॉरल रीजन क्या कहता है, मॉरल रीजन ये कहता है कि पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको डेमोक्रेसी की स्पिरिट कहा जा सकता है। बेसिक मॉरलिटी क्या कहती है, बेसिक मॉरलिटी ये कहती है कि लोगों की फीलिंग्स का ध्यान रखा जाना चाहिए, पीपल शुड हैव स्टेक इन द सिस्टम, लोगों का सिस्टम में थोड़ा हिस्सा होना चाहिए, दे शुड हैव सम पावर सो दैट सिस्टम कैन वर्क अकॉर्डिंग टू देम ऑल्सो, दे हैव राइट टू बी कंसल्टेड हाउ दे आर टू बी गवर्न। इसलिए पावर शेयरिंग एड्स वैल्यू टू लाइफ, पावर शेयरिंग के कारण लाइफ की वैल्यू होती है, वरना अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। तो हम आ गए हैं चैप्टर की लास्ट सब हेडिंग पे, दैट इज फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। स्टूडेंट्स ये लास्ट जरूर है पर चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन यहीं से बन के आता है। पहले ये माना जाता था कि पावर शेयरिंग करने से या पावर्स को डिवाइड कर देने से क्विक डिसीजंस नहीं लिए जा सकते, डिसीजंस लेने में देरी होती है, पर धीरे धीरे ये नोशन टूटता गया जैसे जैसे डेमोक्रेसीज एमर्ज होती गई और आज पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी का एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बन गया है। तो देख लेते हैं कौन कौन से फॉर्म्स हैं पावर शेयरिंग के, किस किस प्रकार से पावर शेयरिंग की जाती है। पहला प्रकार है पावर इज शेयर्ड अमोंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि एक ही लेवल पर गवर्नमेंट के वेरियस ऑर्गन्स में पावर्स को डिवाइड कर देना। फॉर एग्जाम्पल
गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, ठीक है, कोई भी कानून बनाना किसका काम है, लेजिस्लेचर का। वो कौन है भी, पार्लियामेंट है। इंडिया में लॉ कौन बनाता है, पार्लियामेंट बनाती है। एग्जीक्यूटिव क्या काम करती है, जो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है उस लॉ को लागू करती है, एग्जीक्यूट करती है, इसका नाम एग्जीक्यूटिव है। तो कौन एग्जीक्यूटिव करती है, गवर्नमेंट एग्जीक्यूट करती है। पार्लियामेंट में तो गवर्नमेंट भी होती है और ओपोजिशन भी होती है, और ये कौन है, ये गवर्नमेंट है। यानी कि लॉ बनाते हैं गवर्नमेंट, ओपोजिशन और बाकी इंडिपेंडेंट लीडर्स सब मिलके पार्लियामेंट का हिस्सा बनते हैं और पार्लियामेंट लॉ बनाती है। और एग्जीक्यूटिव कौन होती है, एग्जीक्यूटिव होती है गवर्नमेंट। और जुडिशरी कौन होती है, कोर्ट्स। इनका क्या काम है, इनका काम ये है कि जो ये लॉ बनाया गया है और ये एग्जीक्यूशन किया गया है, ये प्रॉपर ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इंश्योर करना जुडिशरी का काम है, ठीक है। तो पार्लियामेंट इन दोनों पे कंट्रोल करती है बाय मेकिंग लॉ, एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड और जुडिशरी से रिलेटेड। कोई भी लॉ पार्लियामेंट बनाए तो इन दोनों पे कंट्रोल हो जाएगा। इसी प्रकार से एग्जीक्यूटिव का काम होता है इनके काम, इनके लॉ को एग्जीक्यूट करना। पर एग्जीक्यूटिव भी पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह है, एग्जीक्यूटिव पे पार्लियामेंट का कंट्रोल भी होता है। अगर एग्जीक्यूटिव अपना काम प्रॉपर नहीं कर रही है तो पार्लियामेंट उस पर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके उस एग्जीक्यूटिव को हटा सकती है, यानी उस गवर्नमेंट को हटा सकती है। ऐसे ही जुडिशरी एग्जीक्यूटिव पे और लेजिस्लेचर पे कंट्रोल करती है। लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया है तो जुडिशरी उस लॉ को नल एंड वॉइड कर सकती है, उस लॉ को कैंसिल कर सकती है, ये कह के कि ये लॉ अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। ऐसे ही गवर्नमेंट ने कुछ काम किया है, कुछ काम एग्जीक्यूट किया है, उसको कोर्ट फटकार लगा सकती है गवर्नमेंट को कि ये आप जो कर रहे हो ये ढंग से नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से एक चेक एंड बैलेंस बना हुआ है, इन तीनों के बीच में पावर्स को शेयर कर दिया गया है। अब पावर शेयर करने से क्या होगा, इनमें से कोई भी एक ऑर्गन अपनी मोनोपोली नहीं चलाएगा, ठीक है। अनकंट्रोलेबल सिचुएशन में कोई भी ऑर्गन नहीं जाएगा, कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं जाएगा। तो पहला फॉर्म क्या हुआ, पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। एक ही लेवल पे गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स में पावर को शेयर कर दिया गया है। अब दूसरा फॉर्म क्या है, पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स यानी अलग अलग लेवल के गवर्नमेंट्स के बीच में पावर्स को शेयर कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों का लेवल अलग है, कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दो, कुछ पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को दे दो। तो ये भी एक तरीका है पावर शेयरिंग का। थर्ड इज पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अलग अलग सोशल ग्रुप्स में पावर्स को डिवाइड कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल हमने बेल्जियम का केस देखा, बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट्स बनाई गई जिनको पावर्स दी गई उनके कल्चर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड और उनकी लैंग्वेज से रिलेटेड इश्यूज को डील करने के लिए, है ना। ऐसे ही बहुत सारी गवर्नमेंट्स उनके वीकर सेक्शंस के लिए, वुमेन के लिए अलग से पावर्स डिनोट कर देती हैं कि वुमेन को एक बॉडी बना दी जाएगी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जैसे इंडिया में काम कर रही है, वीकर सेक्शंस के लिए रिजर्वेशन दे दी जाएगी। तो इस तरीके से अलग अलग सोशल ग्रुप्स को पावर दी जाती है अलग अलग तरीके से। तो इसको बोलते हैं पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। नेक्स्ट इज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर्स। ठीक है, जो पावर में गवर्नमेंट है उस पर कंट्रोल करने के लिए अलग अलग टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग टाइप के प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स, सोशल मूवमेंट्स, ये कैसे पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रोल कर रहे हैं, इससे भी पता चलता है कि पावर शेयर कर दी गई है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, अगर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रांग है तो गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि स्टूडेंट्स की पावर आप जानते नहीं हो, है ना, हमारे युवाओं की पावर आप जानते नहीं हो। किसानों का ऑर्गेनाइजेशन है, फार्मर्स एसोसिएशन है, उनके पास अलग पावर होती है, उनके पास लीगली कोई पावर नहीं है, पर उनके जो मूवमेंट्स हैं, सोशल मूवमेंट्स हैं, उनके जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करके रखते हैं। तो एक तरीके से उनको भी पावर्स मिली हुई है, इसको बोलते हैं पावर शेयरिंग। तो ये पावर शेयरिंग्स लीगली तो उनके पास नहीं दी गई है, पर ये पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स देखा जा सकता है कि इस प्रकार से भी पावर डिवाइड हो चुकी है। अगर कोई गवर्नमेंट इन प्रेशर ग्रुप्स को बैन कर देती है या फिर इलीगल करार कर देती है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट कल को कह दे कि जो फार्मर्स एसोसिएशन है ये कंट्री में काम नहीं करेगी, ये धरने देके गवर्नमेंट को प्रेशराइज नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट जा रही है, ठीक है। तो ये पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए।
तो ये थे चार इम्पोर्टेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ आपको ये वीडियो तुरंत मिल जाए, और आपके सब्सक्राइब करने से चैनल को भी सपोर्ट मिलता है। मैं जल्दी सेकेंड चैप्टर पर वीडियो बनाने वाला हूँ, तब तक मेरा वेट कीजिए और इस चैप्टर को रिवाइज कीजिए। सो टेक केयर, स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।